नमस्कार, मैं हूं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जरूरी नहीं कि आप एक ही क्षेत्र के उस्ताद हो, बाकी कई अलग अलग क्षेत्र में भी एक वक्त में आप कमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसा कमाल किया है बिहार की दीपाली किशोर ने। दीपाली एक बहुत अच्छी गायिका होने के साथ साथ एक अभिनेत्री, एक एंकर और एक निर्देशक भी हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। दीपाली किशोर का जन्म 6 जनवरी 1989 को बिहार के पटना जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई माउंट कार्मेल से की है। जब वो 3 साल की थी तब उनके स्कूल में प्रेयर होता था, ए मालिक तेरे बंदे हम। जब वो घर लौट के आई तो इसी प्रेयर को गुनगुना रही थी और उनकी माँ की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा गा रही है। फिर लगभग 6-7 साल की उम्र में उनके शिक्षकों के कहने पर उनके घर वालों ने गाने की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी। दीपाली के गुरु शिवाशीष मुखर्जी हैं, जिनसे उन्होंने लगभग 5 साल संगीत सीखा। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पटना वुमेन्स कॉलेज से की। वो इंडियन आइडल 3 के फाइनलिस्ट के तौर पर भी नजर आई थी, जिसके पहले सीजन 1 और 2 में भी वो जाना चाहती थी, मगर उनके परिवार वालों ने मना कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने 2007 में सीजन 3 में जाने की जिद पकड़ ली और घर से भागने को भी तैयार थी, जिसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें जाने दे दिया और वो वहाँ सिलेक्ट भी हुई और फाइनल तक भी पहुंची। उन्होंने अपने 12वीं के एग्जाम के बीच में जाकर इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था। उसके बाद भी उन्होंने 12वीं में टॉप किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बिहार से होने की वजह से लोग आश्चर्य से देखते थे, क्योंकि इससे पहले धारणा बनी हुई थी कि बिहार के लोगों को ना तो बोलने आता है, ना अंग्रेजी अच्छी होती है, ना गाना गाने आता है। मगर मैंने लोगों के इस भ्रम को तोड़ते हुए अपना प्रदर्शन किया। इसके बाद उनका एक्टिंग का सफर शुरू हुआ। उन्होंने भोजपुरी में पहला डेली सोप बड़की मलकाइन किया। इसके बाद वो और अलग अलग कई डेली सोप में सोनी, सहारा वन इत्यादि चैनल पर नजर आई। इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई सतरंगी को उन्होंने होस्ट भी किया। जब वो इंडियन आइडल में थी तभी वहां के जज अनु मलिक ने उनसे कहा था कि जल्द ही वो दीपाली से एक गाना गवाएंगे और फिर उनकी एक फिल्म आई डॉन मुथुस्वामी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती थे, और इस फिल्म में उन्होंने अपना पहला हिंदी प्लेबैक किया, जिसके बाद उन्होंने कई शो को होस्ट किया। इंडियन आइडल के 4th सीजन में होस्ट की ज़रूरत थी तो इंडियन आइडल 3 में ख्याति पाने के बाद सीजन 4 को उन्होंने एंकर के तौर पर होस्ट किया। उस वक्त मिनी माथुर प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से दीपाली को ये मौका मिला और उसके बाद वो एक चर्चित एंकर के रूप में भी उभर कर आई। उनका रुझान भोजपुरी से और जुड़ गया, जिसमें उन्होंने भोजपुरी भाषा को अश्लीलता से जोड़े जाने पर एक मुहिम छेड़ दी और भोजपुरी साहित्य पर प्रकाश डालना शुरू किया। वो कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो उन्हें अंग्रेजी सिखाया जाता था ताकि बाहर जाकर लोगों के सामने शर्म ना आए। कभी भोजपुरी, मगही या मैथिली में बात ही नहीं होती थी, क्योंकि घर में भी सभी इसे अश्लील ही समझते थे। जब उन्हें पहली बार भोजपुरी गाने के ऑफर आए थे तो माँ पापा ने मना कर दिया, क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता ही होती है। दीपाली एक गायक, एंकर, निर्देशक और एक्टर भी हैं। उन्होंने तीनों में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, मगर उनका सबसे ज्यादा जुड़ाव संगीत से है। उन्होंने कहा कि मज़ा तो चारों में आता है, मगर संगीत में सुकून है, शांति है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म की एंड का में जी हुजूरी गाना भी गाया, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी में कई गाने गाए हैं और धारावाहिक में भी नजर आई हैं। उनका भोजपुरी गाना बम्बई में काबा काफ़ी चला और कई गायकों ने इसे गाया और फिर बिहार में काबा भी इस गाने से प्रेरित था, जो बाद में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त एक मुद्दा बनकर भी उभर कर आया था। उन्होंने ये गाना मुजफ्फरपुर में बनाया था और बाद में उनका ये गाना इतना पॉपुलर हो गया कि उनको ही कई लोगों ने फॉरवर्ड किया था। 2019 में उनकी शादी ऐश्वर्य निगम के साथ हुई है। ऐश्वर्य भी एक गायक हैं और सारेगामा पा में एक मैं और एक तू का खिताब जीता है। बहुत कम वक्त में दीपाली ने वो कर दिखाया जिसने हर बिहारी को बिहारी होने पर गर्व करने की अनुभूति प्रदान की है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको दीपाली का कौन सा गाना अब तक सबसे ज्यादा पसंद आया है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।